everyone, welcome to Sports Wala. This is Anupam Pandey, and right now joining me is Mr. Ayaz Mehman, the senior journalist and cricket expert. Sir, aaj hum baat karenge KKR ki. ऐसी टीम की जो दो बार पहले ही खिताब जीत चुकी है, लेकिन मिसिंग क्या है इस बार? गौतम गंभीर, जिन्होंने दो बार टीम को खिताब जिताया, वो दिल्ली के कप्तान बन चुके हैं और इस बार कप्तानी दिनेश कार्तिक के हाथों में। कैसे देखते हैं इस टीम को? देखिए, कुछ उलटफेर तो हुआ है, क्योंकि गौतम गंभीर किसी को समझ में नहीं आया अब तक, या पहले जब डिसीशन दिया गया था कि क्यों हुआ ऐसे। कुछ आवाज़ें आई थी गौतम गंभीर से ही, खास करके कि मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ होम टीम के लिए वगैरह वगैरह। खैर, जो भी हो, ये नहीं है कि जो रिश्ते बनते हैं वो हमेशा के लिए रहे या कायम के लिए रहे, मेमोरी रह जाती है, याददाश्त जो है वो, यादें जो है वो रह जाएगी। बहुत अच्छा काम किया गंभीर ने केकेआर के लिए, लेकिन अब वो दूसरी टीम के लिए खेल रहे हैं। कैप्टन जो अब बने हैं दिनेश कार्तिक, वो बाद में उनका चॉइस हुआ एज अ कैप्टन। रिटेन किए थे प्लेयर्स आंद्रे रसल और सुनील नारायण, दो ही प्लेयर वेस्ट इंडीज के, और फिर जो है कुछ सवाल ऐसे थे कि या सोच ऐसी थी कि शायद रॉबिन उथप्पा कैप्टन बन जाएंगे या फिर रसल को ही कैप्टन बना दे, वैसा हुआ नहीं। दिनेश कार्तिक को कैप्टन बनाया और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि रॉबिन उथप्पा भी उनके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना दिनेश कार्तिक के पास है लगभग, लेकिन वो विकेट कीपर भी है, ओपनिंग बैट्समैन भी है, अग्रेसर भी है, और शायद वो पसंद करते हैं कि खुद फ्रीली खेले गेम। दिनेश कार्तिक को कैप्टनसी एक्सपीरियंस है तमिलनाडु के लिए भी और फिर फ्रेंचाइजेस के लिए भी, जहाँ भी काफ़ी फ्रेंचाइजेस के लिए खेले हैं अब तक। सर, दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, हाल ही में उन्होंने निधास ट्रॉफी में जो पारी खेली लास्ट में, वो वाकई में मतलब बहुत ही कमाल की पारी थी। ऐसा लगा कि भारत को एक दूसरा फिनिशर मिल गया है। ऐसे में कप्तान की भूमिका निभाना और फ्रंट से लीड करना, खासकर उस वक्त पर जहां पर गौतम गंभीर दो बार पहले ही टीम को खिताब जिता चुके हैं, ऐसे में लगता है कार्तिक के ऊपर काफ़ी दबाव रहने वाला। दबाव तो हर प्लेयर पे है और हर कैप्टन पे है। आप जब 20 ओवर की गेम खेलते हैं तो कैप्टन पे खास करके बहुत ज़्यादा दबाव होती है, क्योंकि टैक्टिकली आपको बिल्कुल कोई वक्त नहीं है, समय नहीं है सोचने के लिए। आप प्लान ऐसे नहीं है कि छः ओवर बाद प्लान काम करेगा या नहीं करेगा, तो दबाव तो बहुत रहेगा दिनेश कार्तिक पर। एक वजह जो उनको चुनने में गई है, जो मैंने सुना है और जो पढ़ा है, कि उनका टेम्परमेंट बहुत सही है एंड ही इज़ अ गेट अलॉन्ग प्लेयर, वो सबको साथ में लेके चलते हैं। तो क्योंकि नए हैं फ्रेंचाइज के लिए और कुछ काफ़ी, जैसे सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रॉबिन उथप्पा पहले से ही खेलते आ रहे हैं केकेआर के लिए, तो वो स्टॉलवर्ड्स है उस टीम के। अब उनको साथ में लेके चलना है, ये नहीं है कि कुछ अनबन हो जाए बिटवीन द कैप्टन और ये, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो सबके साथ गुल मिल जाए, और मेरे ख्याल से इसी वजह से चॉइस जो है वो दिनेश कार्तिक पे आया। अच्छा, ऑन पेपर अगर हम टीम की बात करें तो कहा जा रहा है कि केकेआर इस साल सबसे कमज़ोर टीमों में एक हो सकती है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, जहाँ पर सुनील नारायण हैं, आंद्रे रसल हैं, रॉबिन उथप्पा हैं, लेकिन वहीं एक तरफ तीन युवा खिलाड़ियों को जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, शुभमन गिल हो गए, कमलेश नागरकोटी हो गए, शिवम मावी हो गए, इनको टीम ने खरीदा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है कि आपके पास तीन ऐसे फ्रेश यंग खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप एक जीत के आए हैं। और देखें, जो अंडर 19 का प्लेयर है, अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए ये सबसे बड़ी चैलेंज रहती है कि वो सीनियर टीम में कितने जल्द जा सकते हैं और कितने कामयाब रह सकते हैं वहाँ पर। IPL एक प्लेटफॉर्म देता है आपको गैप ब्रिज करने के लिए। 20 ओवर की मैच है, आपके अंदर जो हुनर है वो सामने आते हैं। रविंद्र जडेजा अंडर 19 के प्लेयर थे, बहुत से प्लेयर्स आज जो इंडियन टीम में अंडर 19 के प्लेयर्स थे और IPL खेलते हुए आए हैं, जो फिलहाल इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है। इनके लिए प्रॉब्लम एक हो गया कि मिचेल स्टार्क नहीं है, पुल आउट हो गया इंजरी की वजह से। टॉम करन को ले आए हैं और मिचेल जॉनसन को लिया है, जो एक्सपीरियंस्ड तजुर्बेकार खिलाड़ी है। प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आप चार ही प्लेयर्स, क्रिस लिन इनके एक दिग्गज बल्लेबाज है और अगर वो पूरा सीजन खेलते हैं, इंजर्ड नहीं होते क्योंकि इंजरी प्रोन है, सबसे बड़ी समस्या उनकी यही है कि हमेशा इंजरी हो जाते हैं, लेकिन अगर इंजर्ड नहीं होते हैं तो तहलका मचा सकते हैं बल्ले। IPL में अगर हम बात करें तो KKR की टीम में सबसे अच्छा एवरेज उन्हीं का रहा है, उन्हीं का है, या बिग बैश में देखें उनका परफॉर्मेंस। तो अगर आपको क्रिस लिन को भी खिलाना है, मिचेल जॉनसन को भी खिलाना है, सुनील नारायण और आंद्रे रसल को तो खिलाना ही है क्योंकि आपने रिटेन किया है, तो चार प्लेयर आपके ऑलरेडी ओवरसीज हो गए, फिर टॉम करन जैसे प्लेयर का नंबर नहीं बनता है। इसी वजह से ये जो तीन युवा खिलाड़ी जो है, ये बहुत टू फिल इन, सात प्लेयर आपको भरने हैं, तो आप रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, उनको अलावा भी चाहिए आपको प्लेयर्स। अच्छा, आपने क्रिस लिन की बात की, तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो क्रिस लिन और सुनील नारायण दिखे थे साथ में बैटिंग करते हुए, ओपनिंग जोड़ी थी, इस बार क्या लगने लगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा? अगर क्रिस लिन फिट होते हैं तो मेरे ख्याल से क्रिस लिन और रॉबिन उथप्पा ही करेंगे ओपनिंग, लेकिन शुभमन गिल है,
कितना जल्दी एडजस्ट करते हैं, क्या कोच जैक कॉलिंस जैसे कोच जो है उनको कहते हैं कि भाई नहीं इनको खिलाइए, ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जैक कॉलिंस जो है वो भी केकेआर के साथ रहते हुए एज अ प्लेयर नाउ एज अ कोच, तो उनके बोलने में या उनकी बातों में या उनके विचार में बहुत वजन रहेगा। एक प्लेयर जो जिनके बारे में हमने बात नहीं की है और बहुत ही की प्लेयर है इनके लिए वो है कुलदीप यादव। बिल्कुल, पीयूष चावला भी है? पीयूष चावला दोनों हैं, है दोनों ही हैं। तो आप सोचें कि एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स जो वो भी रिस्ट स्पिनर है, तो ये दो है वो काफ़ी इनके ऊपर दारोमदार है कि किस तरह से जिता सकते हैं टीम को। एक फाइनल कमेंट, आपको लगता है कि शाहरुख खान की टीम इस बार खिताबी हैट्रिक लगा पाने में कामयाब होगी? मुझे तो लगता है कि ये T20 जो है वो एक तरह की लॉटरी होती है। पेपर पे अगर आप देखें तो 8 टीम बराबर नजर आती है, टैलेंट 19-20 का भी फर्क नहीं है। बिल्कुल, तो आप ऑन अ पर्टिकुलर डे किस तरह से खेलते हैं या आप ऐसे मोड़ पे आ गए जहां आपको डू और डाई है, करो या मरो वाली बात, आप कर सकते हैं या मर जाएंगे, ये जो है ये सवाल खड़े होते हैं और फिर प्लेयर्स का कैलिबर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सामने आता है। जी बिल्कुल, केकेआर की टीम को कहा जा सकता है कि आने वाली टीम इंडिया की भविष्य की टीम हो सकती है क्योंकि इसमें 3 युवा सितारों को जगह दी गई है। फिलहाल देखना होगा कि दिनेश कार्तिक के साथ टीम कितने आगे बढ़ती है, किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। क्रिकेट और IPL के अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स वाले के साथ।